यूपी के ग्रामीण इलाकों में बेहतर इलाज दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। यही नहीं, गांव में झोला छाप डॉक्टर जिनके उपकरण और हालात देख के लगता नहीं है कि वो इलाज कर सकते हैं, उससे उन लोगों की जान की जोखिम है जो वहां इलाज करते हैं। भले ही लोगों की जान जोखिम में हो, लेकिन इसकी परवाह किसे है? देखिए मैनपुरी से हमारे संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। बाग में मरीजों का चढ़ता ग्लूकोज, बदहाल ऑपरेशन के उपकरण और कमरे में चलता अस्पताल का वार्ड, ये तस्वीर बीमार हो चुके उस व्यवस्था की है जो लाइलाज हो चुका है। ये तस्वीरें सरकार के उन तमाम दावों के पोल खोल देती है जिनमें बेहतर इलाज देने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। प्रशासनिक महकमों और झोला छाप डॉक्टरों के बीच मिली भगत का मर्ज इतना गंभीर है कि उस पर कोई दवा असर नहीं करती। यही वजह है कि झोला छाप डॉक्टर चोरी भी सीना चोरी से करते हैं। अरे नहीं हुई, आप झूठ बोल रहे हैं। कौन सा डिप्लोमा है आप दे? कभी पैसों की कमी और कभी सरकारी अस्पतालों के हालात इन झोला छाप डॉक्टरों के गोरख धंधे को मंदा नहीं पड़ने देते। लोग इलाज के लिए इनके चंगुल में फंस ही जाते हैं। कई बार लोग इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाते हैं, लेकिन बीमार स्वास्थ्य विभाग कानून की बात तो करता है, इसे लागू कराने की दावे भी करता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं। जिन लोगों के पास रजिस्टर्ड डिग्रियां BMS MBBS की नहीं है, उन लोगों को कतई इस तरह का काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो भी मेडिकल स्टोर रजिस्टर्ड नहीं है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बीमार व्यवस्था की ये तस्वीरें सिर्फ मैनपुरी की ही नहीं, यूपी के हर जिले में ऐसी तस्वीरों से दो चार हुआ जा सकता है। अब जरूरत इस बात की है कि गांव में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार स्वास्थ्य महकमे को कोई फायदेमंद कड़वी दवा दे जिससे ये तस्वीर बदली जा सके। नेशनल वॉइस के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।